दीपक का बचपन का फ्रेंड है इंद्रजीत, ठीक है, और हम लोगों ने खूब इनके बचपन की बात करी एंड ऑल दैट. वो वाला लड़की की बात बताओ, आई थिंक हर कोई रिलेट करेगा. ऐसा लड़का हर एक क्लास में होता है, नाम मत बताओ पर क्या करता था वो बताओ. वो क्या करता था, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत अच्छा लड़का था, है. तो वो क्या करता था भैया, उसको उसूलवादी लड़का था वो, उसूलवादी बच्चा था. उसको टीचर बोल के जाते थे, बेटा एक्स वाई जेड खड़े हो जाओ, अगर कोई बात करेगा तो नाम लिख लेना. तो कहता ठीक है, वो खड़ा हो जाता था और लंबा भी बहुत था, और ऐसा रजिस्टर लेके रेडी, कौन बात कर रहा है, किसी की जरा से भी ई भी निकल जाए तुरंत मैंने तेरा आपका नाम लिख लिया है. अब भाई से बोलो यार भाई नाम काट दे, यार नाम काट दे. वो नहीं, मैं नाम नहीं काटूंगा, मैं नाम नहीं काटूंगा. कौन सा वाला जो क्लास उठा रहे थे वो क्या करता था, वो पूछता था खड़ा होके, सर क्या बातचीत करना क्लास के बीच में अलाउ है? नहीं. ये दो लड़के बात कर रहे थे धड़ धड़ धड़. फिर सर एक बार ये खाना खा रहा था क्लास के बीच में, लंच में डब्बे में से निकाल कर खड़ा हो गया. सर क्या क्लास के बीच में खाना खाना अलाउ है? सर भी महान, नहीं है अलाउ. ये लड़का खाना खा रहा था जबकि बहुत अच्छा दोस्त इसका. तो वही है, वो ऐसा था, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय. जोश कैसा लग रहा है? लग तो अच्छा रहा है. लग तो अच्छा रहा है. ये डच विलेज जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. मेरे ख्याल में बोट में अपन वो करेंगे, उसके बाद कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो होम के निकलते होंगे. और दो दिन से इतना गंदा मौसम हो रहा था, नहीं जब से हम आए तब से इतना गंदा मौसम हो रहा था. आज पहले दिन जो है थोड़ा सा सूरज जो है वो दिखा है, पर फिर हवा चलने लगी. देखो अरे रे, नीदरलैंड में बहुत हवा चलती है. हम लोग इस बोट पे बैठने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ की सराउंडिंग. कैप्टन बोट क्लीन कर रहा है. Front is Would the you best. Like pictures, right? Yeah, yeah, I like pictures. I would like ever sit in the front. Thank you. ये है हमारी प्राइवेट बोट. नहीं नहीं, प्राइवेट नहीं है ये बोट है. यहाँ पर आप बैठ सकते हो. यू विल गेट टी, कॉफी या फिर लेमनाइट, और इसका प्राइस पर पर्सन 25 यूरो है ना. और इसका और इसका प्राइस पर पर्सन 12.50 यूरो है. Let's start our journey. Thank you very much. ओके, तो नाउ वी आर रेडी टू गो. हमारी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, बोट स्टार्ट होती है और अब जाके हम देखते हैं क्या क्या देखने को मिलेगा. Goedemiddag, hoort u mij allemaal goed? Do you hear me properly in the front also? Yeah. Alright, very good. Well, good afternoon for you also. We zijn even in Nederlands. Goedemiddag, welkom aan boord van de Titanic. Ik ben uw kapitein, kapitein Adel. Ik neem vandaag een rondje mee door Giethoorn. We keren eerst even de boot naar op het kanaal. Dat is weer through Giethoorn. Of around an hour. First we are gonna turn the boat on the big canal over there, and then with around 10 minutes we will be in the village. If there are any questions, feel free to ask and keep your hands inside for the small crocodiles and sharks. We don't want any accidents. Well, enjoy the tour. Veel plezier en een veilige reis gewenst. हमारे पीछे छोटे-छोटे घर दिख रहे हैं ना? ये लोगों ने खरीदे हुए हैं और यहाँ पर रहते हैं कुछ टाइम के लिए साल में, और फिर छोड़ के चले जाते हैं. फिर इनको रेंट पर देते हैं, और जो इनका रेंट है वो अराउंड 380 यूरोस है वीकेंड के लिए. और ये बोट्स भी होती है इनकी पर्सनल, जो बोट्स भी आप ले सकते हो वीकेंड के लिए और यूज़ कर सकते हो. तो मस्त है.
ये जो घर दिख रहे हैं ये सारे गेस्ट हाउस हैं। थिंक अबाउट दैट कि आप इन घरों में रुक रहे हो यार, मतलब मुझे तो यहीं रुकना है। वाओ, zal ik wel vertellen over de geschiedenis van Gito. Gito is हमारे पीछे जस्ट जो है वो लास्ट पार्किंग स्पॉट है विलेज का, इसके बाद विलेज शुरू, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है, ये विलेज शुरू हो गया। वाओ, ये गैस करो कि कितना इसकी डेप्थ होगी, सिर्फ एक मीटर, मतलब आप डंडा डालोगे या आप खड़े भी होगे तो यू कैन इजीली डू दैट। ये जो पीछे घर दिख रहा है इसमें 500 यूरो और 40 लोग जो है वो रह सकते हैं, ये बीच में एकदम बीच, सो बीच आइलैंड के। देन फाइनली अब हम लोग कुछ खा पी रहे हैं यहाँ पर बैठ के, कैनाल है यहाँ, नाली है, नाली ग्रीन चीज़ है। एक आंटी आ गई 10 का नोट लेके, देख रही बाहर ब्रेड वाला काम, ओ भाई जो हंसी छूटी है। बोले वो करता क्या था, जब फॉग होता था ये लोग दिखते नहीं थे आपस में, ऐसी हंसी। तो अब हमारी हो चुकी है ऑलमोस्ट जाने की तैयारी, उससे पहले हम एक और अच्छी जगह जाएंगे जो मस्ट विजिट प्लेस है यहाँ का, वो घूम कर और बस फिर हम निकलेंगे जर्मनी की तरफ, और जर्मनी में जहाँ जाएंगे हम वो है सरप्राइज। नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं, बताया ना एक अच्छे घूमने वाली जगह, वहाँ जाकर बताएंगे। ऑन कर दिया